हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप। जो हम टेप यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, वो कितने टाइप्स में अवेलेबल होती है, उन्हें हम पूरा डिटेल में समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि हम एक सेपरेट वीडियो के पूरा डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कौन सी टेप का क्या मेजरमेंट होता है और कौन सी टेप कितने लेंथ में अवेलेबल होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएगी। और ये टेप्स हमारी कहाँ यूज़ की जाती है, चेन सर्विंग के अंदर हम इन टेप का यूज़ करते हैं। तो टेप किसके लिए यूज़ की जाती है, जो हमारे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उनके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, टेप का यूज़ करते हैं। अब जो टेप के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिनन टेप, मेटलिक टेप, स्टील टेप, इनवार टेप और सिंथेटिक टेप। तो ये सारे टेप्स का डिस्क्रिप्शन भी हम समझ लेते हैं कि कौन सी टेप कितने लेंथ में अवेलेबल होती है और ये किससे मिलकर बनी होती है। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं लिनन टेप को। तो लिनन टेप किससे मिलकर बनती है, इट इज़ मेड ऑफ अ वार्निश स्ट्रिप ऑफ वूवन लिनन 12 to 15 mm वाइड। ये किससे मिलकर बनी होती है, जो हमारी वार्निश स्ट्रिप होती है उसमें जो लिनन आती है उससे मिलकर क्या बनती है, हमारी लिनन टेप बनती है। और जो लिनन टेप होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 12 से 15 mm की तक की उसकी चौड़ाई होती है, यानी इतनी वाइड हमारी लिनन टेप होती है। अब ये लिनन टेप हमारे कितनी लेंथ में अवेलेबल होती है वो भी हम जान लेते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। यानी जो हमारी लिनन टेप आएगी वो 10 मीटर में, 20 मीटर में और 30 मीटर के वेरियंट में आपको देखने मिलेगी। अब जो लिनन टेप होती है आपको आपकी स्क्रीन पर देखने मिल रही होगी, जितनी भी टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उनकी इमेज आपको आपकी स्क्रीन पर देखने मिल जाएगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी टेप किस टाइप की दिखती है। सेकंड, मेटलिक टेप। तो जैसे उसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारी टेप है वो मेटल की बनी होगी, उसी टेप को हम क्या बोलेंगे, मेटलिक टेप। तो इसे भी हम समझ लेते हैं, इट इज़ मेड ऑफ क्लॉथ स्ट्रिप वूवन विथ फाइन ब्रास वायर्स। ये क्या होता है, जो ब्रास के वायर्स आते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, क्लॉथ स्ट्रिप के साथ मिला के इस टेप को बनाते हैं। और ये कितनी वाइड होती है, ये 16 mm तक की वाइड होती है। और जो मेटलिक टेप होती है वो किन किन लेंथ्स में अवेलेबल होती है, 5 मीटर में, 10 मीटर में, 15 मीटर में, 30 मीटर में और 60 मीटर के वेरिएंट में आपको ये टेप देखने मिलेगी। मतलब आपको इतनी लेंथ्स के अंदर ये टेप आपको देखने मिल जाएगी। नंबर थर्ड, स्टील टेप। अब स्टील टेप के नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे स्टील से मिलकर जो टेप बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टील टेप बोलेंगे। तो इसे हम एक और बार समझ लेते हैं, इट इज़ मेड ऑफ स्टील और स्टेनलेस स्टील मे बी प्रोवाइडेड विथ अ विनाइल कोटिंग। ये किससे मिलके बनती है टेप, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करके या स्टील का यूज़ करके हम इस टेप को बनाते हैं, जिसके ऊपर किसकी कोटिंग की जाती है, विनाइल की कोटिंग की जाती है। और जो ये टेप की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 6 mm से लेकर 10 mm तक की ये टेप आपको देखने मिल जाएगी चौड़ाई में, यानी इतनी वाइड ये टेप अवेलेबल होती है। और ये कितनी लेंथ में आपको देखने मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं, 10 मीटर की लेंथ में, 15 मीटर की लेंथ में, 30 मीटर की लेंथ में और 60 मीटर की लेंथ में आपको स्टील टेप देखने मिल जाएगी। इनवार टेप, इट इज़ मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ स्टील एंड निकिल एंड हैज़ अ वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। इट इज़ आल्सो 6 mm वाइड एंड अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 15, 13 एंड 100 मीटर। जो इनवार टेप होती है वो किससे मिलकर बनती है, स्टील और निकिल की अलॉय से मिलकर बनती है। और साथ ही साथ इसमें जो थर्मल एक्सपांसन होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी अगर हमारा कोई हीट है या गर्मी वगैरह बढ़ जाती है तो उससे स्टील में आपको कुछ एक्सपांशन देखने मिलेगा, जिससे क्या होता है, इरर आता है। तो उस टाइप की चीज़ें इसमें बहुत कम आपको देखने मिलेगी इनवार टेप के अंदर। जो इनवार टेप होती है वो भी 6 mm तक वाइड होती है और उसकी कौन सी अवेलेबल लेंथ होती है, 15 मीटर की, 30 मीटर की और 100 मीटर तक आपको इनवार टेप देखने मिल जाएगी। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम सिंथेटिक टेप के बारे में। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास फाइबर हैविंग PVC कोटिंग, इट मेंटेन्स इट्स लेंथ, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सो इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ with a good degree of precision, it also available in 5 meter, 10 meter, 20 meter and 30 meter length. जो हमारी सिंथेटिक टेप होती है वो किससे मिलकर बनती है, ग्लास फाइबर से, जिसके ऊपर PVC की कोटिंग की जाती है। और साथ ही साथ ये जो हमारी टेप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, जिससे हमें क्या मिलता है, गुड डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब जो हमारी जो एक्यूरेसी आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी टेप है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलेगी और इसमें अगर हीट वगैरह कुछ आता है तो उससे भी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगी। अब ये किन किन वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, यानी किन किन साइजेस में आपको लेंथ में आपको ये टेप देखने मिलेगी, 5 मीटर की भी आपको ये टेप देखने मिलेगी, 10 मीटर की भी देखने मिलेगी, 20 मीटर की भी देखने मिलेगी और 30 मीटर की लेंथ में भी आपको ये वाली टेप अवेलेबल होगी। तो ये जितनी भी सारी टेप्स थी उनमें सभी आप सेंटीमीटर मीटर में मेजर तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप इंचेस और फुट में भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि इसके एक साइड पे इंच और फुट आपको देखने मिलेगा और एक साइड पे सेंटीमीटर मीटर में आपको डायमेंशंस देखने मिलेंगे। तो ये सारे मेन टाइप्स होते हैं टेप्स के जो कि आपको देखने मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना,
जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।